जय हिंद दोस्तों। दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए प्रवक्ता चयन परीक्षा सन 2000 जो पीजीटी कला का पेपर हुआ था सन 2000 में उसका व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र लेके आया हूँ आपके सामने। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यदि आप कला से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस डीट प्लस बी नेट जेआरएफ सभी से संबंधित जो भी कला से संबंधित एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप कला से संबंधित एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इन प्रश्नों को सॉल्व करके ज़रूर जाएं। दोस्तों बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 50 क्वेश्चन बताऊंगा, तो ये पहला वीडियो होगा। इसके अलावा भी एक वीडियो बनेगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से अपलोड करने में प्रॉब्लम आता है, तो हम इसको दो वीडियो में कवर करेंगे 100 क्वेश्चन को। तो पहले वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहां पर स्थित है। देखिए यहां पे पूछा जा रहा है यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के जो प्रमुख केंद्र हैं वो कहां पर स्थित हैं, तो वो उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस का जो क्षेत्र है वहां पर स्थित है। तो यहां पे राइट आंसर 3 है। देखिए यहां पर व्याख्या भी उसका किया हुआ है, यूरोप के गुफा चित्र अधिकतर स्पेन के पूर्वी व उत्तरी प्रदेशों में व फ्रांस के दक्षिणी पश्चिमी प्रदेश में सीमित हैं। देखिए उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस का जो प्रागैतिहासिक कला का क्षेत्र है जहाँ पर प्रागैतिहासिक कालीन चित्र मिले हुए हैं इसे फ्रेंको कैंटेब्रियन के नाम से भी जानते हैं, फ्रेंको कैंटेब्रियन क्षेत्र उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में जो प्रागैतिहासिक कालीन चित्र मिले हैं वो जो क्षेत्र है उसको फ्रेंको कैंटेब्रियन क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे दिया हुआ है, फ्रेंको कैंटेब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं। देखिए यहां पर आया हुआ है, तो ये जो है यहां पर यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का जो प्रमुख केंद्र है, प्रागैतिहासिक चित्र जो मिले हैं वहां से, वहां इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। फ्रांस और स्पेन के प्रागैतिहासिक चित्रों को फ्रेंको कैंटेब्रियन पेंटिंग कहते हैं। हमने आपको बताया कि जो उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस में प्रागैतिहासिक क्षेत्र है उसे फ्रेंको कैंटेब्रियन क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वहां की अनेक पर्वत श्रृंखलाओं में ये प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं, अल्तमीरा, फांटे डिगाम और लास्का प्रागैतिहासिक कलाकार के सबसे महत्वपूर्ण चित्रागार हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अल्तमीरा गुफा चित्र कहाँ स्थित है। अल्तमीरा गुफा बहुत इंपॉर्टेंट है, यह अक्सर एग्जाम में आता ही है। तो ये अल्तमीरा गुफा जो है स्पेन में है, अल्तमीरा गुफा स्पेन में है। इससे कुछ जो रिलेटेड चीजें हैं उसको हम थोड़ा सा आपको यहां पे बताएंगे। 1879 ईस्वी में स्पेन में अल्तमीरा गुफा की खोज हुई और इस बात का ज्ञान हुआ कि शैशवावस्था में भी मानव जाति कलाकृतियों का निर्माण करती थी। देखिए 1879 में अल्तमीरा गुफा की खोज होती है, अल्तमीरा गुफा कहाँ पे है, स्पेन में, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है। और 1879 में जो खोज की थी किसने किया था, एक मारिया सातुओला, मारिया सातुओला
मारिया सातुओला नामक एक लड़की ने किया था, और जो कि कहीं कहीं पर 8 वर्ष या 12 वर्ष या 13 वर्ष इसकी अवस्था बताई जाती है। तो ये एक 12 या 13 वर्ष की लड़की थी जिन्होंने अल्तमीरा गुफा की खोज की, और इसकी खोज 1879 में हुई थी। अल्तमीरा गुफा कहाँ है? स्पेन में है। तो अल्तमीरा गुफा जो है इसमें संसार में सबसे पहला चित्र प्रमाण मिलता है, प्रागैतिहासिक काल के सबसे पहले चित्र मिलते हैं अल्तमीरा गुफा। संसार के अल्तमीरा गुफा में संसार के सबसे पहले प्रागैतिहासिक कालीन प्रमाण मिलते हैं। अल्तमीरा गुफा में संसार के सबसे संसार में सबसे पहला प्रागैतिहासिक चित्र कहां मिलता है हमें? अल्तमीरा गुफा से मिलता है। अल्तमीरा गुफा जो है ये अल्तमीरा गुफा को हम प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल कहते हैं। प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल, प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल कहते हैं अल्तमीरा गुफा को। अल्तमीरा गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं मिली हैं, अंगुलियों से बनी रेखाएं मिली, अंगुलियों से बनी रेखाएं मिली है यहां पे। और सर्वाधिक चित्र जो है, सबसे ज्यादा जो चित्र मिले हैं, सर्वाधिक चित्र जो मिले हैं वो जंगली भैंसे के मिले हैं, जंगली भैंसा जिसे इंग्लिश में बाइसन बोला जाता है, इसके मिले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर इसको पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सर्वप्रथम अल्तमीरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की? तो हमने आपको बताया है मारिया सातुओला। ये कहीं कहीं पर 8 वर्ष या 12 वर्ष या 13 वर्ष इसकी अवस्था बताई जाती है। ये एक लड़की है मारिया सातुओला, इसने अल्तमीरा गुफा के चित्रों की खोज की थी। राइट आंसर 2 हो जाएगा। अल्तमीरा गुफा की खोज संयोग वश हुई और उसका श्रेय सातुओला नाम के व्यक्ति को जाता है। यहां पर दोस्तों व्यक्ति लिखा हुआ है, जबकि ये गलत दिया हुआ है। मारिया सातुओला एक लड़की है और उसने ही इसकी खोज की हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। वृषभों वाला जो कक्ष है ये लास्को गुफा में है। राइट आंसर 3 हो जाएगा। लास्को गुफा की खोज 1940 में हुई थी। वहां के चित्र काफी सुरक्षित अवस्था में पाए गए। उसके मध्यवर्ती कक्ष के जो बैलों का वृहद कक्ष नाम से प्रसिद्ध है, चित्र अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें एक चित्र मालिका है जिसमें 4 बड़े काले बैलों का कतार में चित्र है, जिसमें सबसे बड़ा बैल जो है 18 फुट का है, 18 फुट लंबा है। सबसे जो बैल का चित्र, 4 बड़े बैलों का कतार में चित्र बना हुआ है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, और सबसे बड़ा जो बैल है वो कितने फीट का है? 18 फीट का। लास्को गुफा में बैलों का वृहद कक्ष भी है, वृषभों वाला कक्ष ये पूछा ही गया है। तो वृषभों वाला कक्ष जो है लास्को गुफा से संबंधित है। लास्को गुफा की जो खोज हुई थी वो 1940 में, 12 सितंबर 1940 में इसकी खोज हुई थी। और इसके खोजकर्ता कौन है?
मार्सेल रेविडेट, मार्सेल रेविडेट इसकी खोज करता है। और इसमें बहुत सारे चित्र मिले हुए हैं, कुछ चित्रों को मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे तैरते हुए हिरन, एक सींग वाला अश्व मतलब घोड़ा, वृषभों वाला कक्ष हमने आपको बता दिया है इसमें। तो ये कुछ चित्र हैं जो मिले हुए हैं लास्को गुफा से। क्वेश्चन नंबर 6, भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो यहां पे राइट आंसर 3 है, श्री बीएस वाकाड़कर। इनका पूरा नाम है विष्णु श्रीधर, विष्णु श्रीधर वाकाड़कर, और ये उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका के आदिकालीन चित्रों की खोज का श्रेय श्रीधर वाकाड़कर को जाता है। और इन्होंने जो चित्रों की खोज की थी 1958 में इन्होंने चित्रों की खोज की है, भीमबेटका के चित्रों की खोज 1958 में किया है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 7, मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? नृत्य का दृश्य, तो ये लखनिया में निर्मित है, नृतन वादन का दृश्य। तो यहां पे राइट आंसर 3 है, लखनिया 2 में ये मिलता है। पशु आखेट के दृश्यों के साथ साथ नृतन वादन मस्त व्यक्तियों के समूह भी अंकित किए गए हैं। यह चित्र गुफा की छतों तथा भित्तियों पर बनाए गए, गुफाओं की छतों और भित्तियों पर ये चित्र बने हुए हैं। लखनिया कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में लखनिया है, प्रागैतिहासिक कालीन क्षेत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 8, भारत वर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहां पाया गया? तो जिराफ ग्रुप जो है ये आदमगढ़ में मिला है, राइट आंसर 1 हो जाएगा। आदमगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। आदमगढ़ पहाड़ी में एक दर्जन से अधिक शिलाश्रय हैं, जिनमें हाथी, महिष, घोड़े, सांभर, जिराफ समूह, अस्त्ररोही, अश्वरोही, चार धनुर्धारी आदि छेपांकन विधि से बनाए गए। छेपांकन का मतलब स्टेंसिल विधि से ये चित्र बनाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है किस गुफा में है? तो ये पिंडाल गुफा से संबंधित है, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। 400 गज लंबी इस गुफा पिंडाल गुफा में 120 गज अंदर पहुंचने पर कुछ चित्र मिलते हैं, प्रायः सभी चित्र दाएं दीवार पर हैं। लाल रंग से विश्राम की मुद्रा में एक हाथी अंकित है, हाथी का रंग कैसा है? लाल रंग से बनाइए। इसके शरीर के मध्य में लाल रंग का एक बड़ा बिंदु है जो लगभग पान के आकार का है, संभवतः यह हृदय की स्थिति का संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? दोस्तों लास्ट में दिया नहीं है, तो यहां पर यह लखनिया जो है ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में कैमूर श्रृंखला के अंतर्गत मिर्जापुर जिले में, देखिए लखनिया जो है
ये मिर्जापुर जिले के अंतर्गत आती है और ये विंध्याचल की कैमूर पहाड़ियों की श्रृंखलाओं में ये चित्र बने हुए हैं। तो मिर्जापुर जिले में कोहबर, मढ़हरिया, भंडरिया, विजयगढ़, छातो, विंडम, लखनिया वन, लखनिया टू, लौहरी, खोडवा, रौप, कंडाकोट, सोरहो घाट, घोड़मंगर, पभोसा, चुनार आदि स्थान आदि मनुष्य के प्रमुख केंद्र रहे। ये प्रमुख केंद्र हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं। तो प्रागैतिहासिक चित्र जो बनाए गए हैं वो गेरू और चारकोल से बने हुए हैं। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। इन चित्रों में सुगमता से प्राप्त खनिज रंगों का प्रयोग किया गया। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों में किस प्रकार के रंग है? खनिज रंग का प्रयोग किया गया। इन रंगों में प्रधानता कौन कौन से रंग मुख्य रूप से हैं? जैसे गेरू, हिरौजी, रामरज तथा खड़िया का प्रयोग है। इन रंगों के अतिरिक्त रासायनिक रंगों में कौन कौन से रंग है? कोयला और काजल, रासायनिक रंगों का प्रयोग किया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनके नीचे ही दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? दृढ़ कथन का, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है, तो ये सही है। कारण ख, प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करता है, ये गलत है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 3, क सही है लेकिन ख असत्य है। क्वेश्चन नंबर 13, किस काल में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया? तो ये गोथिक काल में होता है, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। गोथिक काल का जो समय है 12वीं सदी, लेकिन यह 17वीं सदी में अधिक प्रचलित हुई। 17वीं सदी में यह अधिक प्रचलित हुई। गोथिक कला वास्तुकला के लिए जाना जाता है। गोथिक कला जो है वास्तुकला के लिए जाना जाता है और इसमें गोथिक कला में रंजित कांच की खिड़कियां, स्टैंड ग्लास विंडो से संबंधित है। ये रंजित कांच की खिड़कियां, कांच की खिड़कियां, स्टैंड ग्लास विंडो से संबंधित है ये। गोथिक शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था जॉर्जियो बसारी ने किया था। गोथिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जॉर्जियो बसारी ने किया था। और गोथिक कला में नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण हुआ। इसमें नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण, नुकीले मेहराब वाले भवनों का इसमें निर्माण हुआ है। क्वेश्चन और भी बनता है, शांत संगीत फ्रोजन म्यूजिक किससे संबंधित है? तो यह गोथिक कला से संबंधित है। फ्रोजन म्यूजिक जिसे शांत संगीत बोलते हैं, शांत संगीत का संबंध किससे है? गोथिक कला से। और गोथिक कला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार है जिसका नाम है ज्योतो जो है, ये चित्रकार और वास्तुकार दोनों था। ये चित्रकार वास्तुकार दोनों था। ज्योतो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही कलाकार ज्योतो ने आगे चलकर पुनर्जागरण कला को जन्म दिया था। किसने? ज्योतो ने। क्वेश्चन नंबर 14, गोथिक वास्तु शिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुआ? तो हमने आपको बताया था, अधिक प्रचलन इसका 17वीं शताब्दी में हुआ है। राइट आंसर 1 हो जाएगा। गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारक कौन से थे?
तो प्रमुख कारक जो रहे उसमें से कलाकारों के समूह, धर्म और नवीन चेतना, राइट आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निरत होकर प्रकृति से निकट सानिध्य स्थापित किया? तो इसमें 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, 19वीं शताब्दी के पहले, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। 1830 व 1840 के बीच बारबीजा चित्रकारों ने कड़े परिश्रम के साथ कार्य किया। 1850 के लगभग उनके चित्र लोकप्रिय होकर बिकने लगे तथा उनको आर्थिक सुस्थिति प्राप्त हुई। प्रभाववादी चित्रकारों के प्रकृति चित्रों के सामने बारबीजा चित्रकारों के चित्र तुच्छ प्रतीत होते थे, किंतु प्रकृति में जाकर स्थान पर चित्रण करने की प्रथा को बारबीजा चित्रकारों ने जन्म दिया था। यह यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट है, बारबीजा चित्रकारों ने किसको जन्म दिया? प्रकृति में जाकर चित्रण करने का बारबीजा चित्रकारों ने इसकी शुरुआत की और उससे प्रेरणा लेकर प्रभाववादी चित्रकार आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17, प्रख्यात चित्र मोनालिसा का चित्रकार कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मोनालिसा का चित्रकार कौन है? ये विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है, लियोनार्डो द विंची के द्वारा बनाया गया है मोनालिसा पेंटिंग। मोनालिसा संभवतः पश्चिमी कला जगत का सबसे प्रसिद्ध व श्रेष्ठ चित्र है। यह फ्रांसिस्को दिल जोकादा की पत्नी लीसा का सामने बैठा के बनाया गया व्यक्ति चित्र है। देखिए इसके बारे में दोस्तों बहुत ही मतभेद है। कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें लियोनार्डो दा विंची ने अपने आप को खुद बनाया है, और कहीं कहीं पे हमको इसको देखने को मिलता है कि ये फ्रांसिस्को दिल जोकादा की पत्नी लीसा का सामने बैठा कर चित्र बनाया गया है। इस चित्र पर लियोनार्डो ने 3 वर्ष तक कार्य किया था, 3 वर्षों तक उन्होंने कार्य करके ये चित्र बनाया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोनालिसा अपने रहस्यमय मुस्कान के लिए बहुत ही फेमस है और इसके बैकग्राउंड में जो है दृश्य चित्र बनाए हुए हैं। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि मोनालिसा के बैकग्राउंड में क्या बना हुआ है, तो दृश्य चित्र बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कला में कुलीन व्यक्तित्व मौलिक का अंकन तथा आध्यात्मिक जीवन में धर्म के छिड़ प्रभाव के कारण कला में व्यक्तिवादिता किस काल में देखने को मिलती है? तो यह पुनरुत्थान काल में देखने को मिलती है, राइट आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, तैल चित्रण विधा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो यह वान आइक बंधु को जाता है, जॉन वान आइक बंधु। ये दो भाइयों ने मिलकर तैल रंग चित्रण विधा को जन्म दिया था। यान वान आइक का जन्म संभवतः 1390 से लेकर 1400 के बीच होता है। उन्होंने न केवल तैल चित्रण विधि को विकसित कर उसकी संभावनाएं बढ़ाई, वे स्वयं एक महान चित्रकार भी थे। तो ये लोग चित्रकार भी थे, जो वान आइक बंधु थे ये चित्रकार भी थे। इन्होंने जो चित्र बनाया था ऑयल कलर में, जेन वान आइक बंधु ने जो पहला चित्र बनाया था मेमने की ये बनाया था इन्होंने, और ये दो भाई थे जॉन वान आइक और हर्बर्ट वान आइक। देखिए मैं ये आपको बता रहा हूं, तैल चित्रण को विश्व में किसने खोजा था पहली बार, ये विश्व की बात मैं कर रहा हूं। विश्व में सबसे पहले जॉन वान आइक और हर्बर्ट वान आइक, दो आइक बंधुओं ने किया था विश्व में तैल रंग की खोज।
इसलिए इनको तैल रंग का जनक कहा जाता है। तैल रंग का जनक इनको कहा जाता है, जानवान आइक को। और ये जो थे दोनों लोग, ये नीदरलैंड या हॉलैंड के थे। इन्हें तैल रंग का पिता भी कहा जाता है। अगर बात की जाए भारत में तैल रंग की खोज किसने की, तैल चित्रण विधा की भारत में खोज किसने की, तो भारत में जो खोज किया गया ये 19वीं शताब्दी में ये 19वीं शताब्दी में हुआ। और ये जानवान आयक बंधुओं ने जो किया था ये 15वीं शताब्दी में। और भारत में जो 19वीं शताब्दी में खोज हुआ था उसके खोजकर्ता कौन थे, राजा रवि वर्मा ने ये खोज किया था। जो कि कहां के थे, इनका जो समय है 1848 से लेकर के 1906, तो 1848 में इनका जन्म कहां होता है, केरल के किली मन्नूर गांव में इनका जन्म होता है। और इन्होंने ही भारत में तैल रंग की खोज की थी, इसीलिए इन्हें भारत में तैल रंग का जनक कहा जाता है। बात की जाए तैल रंग के लिए धरातल क्या क्या होता है, धरातल में कैनवास का प्रयोग किया जाता है, ऑयल सीट का प्रयोग होता है, कास्ट फलक का प्रयोग होता है, हार्ड बोर्ड का भी प्रयोग होता है, ये सभी धरातल इस प्रकार किया जाता है। और ब्रश में अगर बात की जाए, ब्रश कैसा प्रयोग होता है, ब्रश में हॉग हेयर ब्रश का प्रयोग किया जाता है। ऑयल कलर को किस प्रकार करते हैं, इसका शेड कैसे होता है, तो शेड का मतलब ये डार्क टू लाइट। और वाटर कलर जो इसका जस्ट उल्टा होता है, वो लाइट टू डार्क होता है। लेकिन ऑयल कलर में सबसे पहले डार्क कलर लगाते हैं, उसके ऊपर लाइट कलर लगाते जाते हैं। इसकी प्रकृति कैसी होती है, ये कैसा होता है, तो ये ओपेक होता है, मतलब अपारदर्शी, जो आर पार दिखाई न दे वो अपारदर्शी। और तैल रंग में दो तरह के आयल का प्रयोग किया जाता है। तैल रंग में देखिए, इसमें एक है तारपीन का तेल, और दूसरा है अलसी का तेल। तो तारपीन का तेल जो होता है ये चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है, ये चीड़ के पेड़ से उत्पन्न, उसे जो लीसा होता है या लासा बोल सकते हैं, उससे बनता है ये चीड़ के पेड़ से। बस इतना आप याद रखिए, चीड़ के पेड़ से ये बनता है। और अलसी का तेल होता है, लिंसिड ऑयल, अलसी का तेल अलसी के बीज से बनता है, ये लिंसिड ऑयल जो होता है ये अलसी के बीज से क्या बनता है, लिंसिड ऑयल अलसी के बीज से बनता है। इसमें कभी कभी एक और तेल प्रयोग किया जाता है, मिट्टी का तेल, बहुत रेयर केस में इसका प्रयोग होता है, मिट्टी का तेल या केरोसिन इसी को बोलते हैं।
अधिकतर लेकिन तारपीन का तेल या तारपीन का तेल लिंसिड ऑयल, इन दोनों को एक क्वेश्चन बनता है कि इन दोनों की मात्रा क्या होती है, तो इनकी 50-50% मात्रा होती है, दोनों बराबर की मात्रा में इसको मिलाया जाता है। अगर एक ढक्कन हम तारपीन का तेल ले रहे हैं तो एक ढक्कन हम लिंसिड ऑयल भी लेंगे, दोनों को 50-50 मात्रा में मिलाकर इसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किस कला शैली में रेखी प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी, तो ये रोमनस्क कला शैली में है, तो राइट आंसर यहां पे 2 हो जाएगा। फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड व स्पेन सब देशों के रोमनस्क फ्रेस्को चित्रों में कुछ सामान्य विशेषताएं दृष्टिगोचर मतलब दिखाई देती हैं, रंगों का धरातल समतल प्रयोग, काले या भूरे रंगों की रेखाओं से आकारों का स्पष्टीकरण, रेखाओं का अनुवर्तित दृश्य लघुता की अपेक्षा उपेक्षा व रेखाओं से आकारों का स्पष्टीकरण दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 21, किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबिल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया, तो रूबेंस ने बनाया था, पीटर पॉल रूबेंस इनका पूरा नाम है, राइट आंसर 2 हो जाएगा। रूबेंस ने भिन्न विषयों को लेकर चित्रण किया जिसमें बाइबिल की कथाएं, साधु संतों के जीवन की घटनाएं, पौराणिक व ऐतिहासिक प्रसंग, देहाती जीवन, प्रकृति दृश्य व व्यक्ति चित्र से संबंधित इन्होंने चित्रों का निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 22, कौन से दो कलाकारों ने कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया, तो उसमें लियोनार्डो द विंची एवं माइकल एंजेलो ने, यहां पर राइट आंसर 1 हो जाएगा। लियोनार्डो द विंची के कुछ मैं प्रमुख आपको चित्रों के बारे में बताऊंगा। लियोनार्डो द विंची का जो जन्म होता है 1442 में होता है, 1452 में, और इनके चित्रों इनके चित्र जो है सालखंडो की राजकुमारी जिसे वर्जिन ऑफ द रॉक्स बोला जाता है, सैल खंडो की राजकुमारी, इसको इंग्लिश में वर्जिन ऑफ द रॉक्स बोला जाता है, अंतिम भोज इसको इंग्लिश में द लास्ट सपर बोलते हैं, द लास्ट सपर, और इन्होंने मोनालिसा भी बनाया है, मोनालिसा, मोनालिसा पेंटिंग कहाँ है, लूब्र म्यूजियम में, लूब्र म्यूजियम पेरिस में ये संग्रहित है। और लीडा और हंस बनाया है, लीडा और हंस, मेडोना व शिशु ईसा को भी बनाया है, मेडोना मेडोना एवं शिशु ईसा, तो ये कुछ प्रमुख चित्र हैं उनके। माइकल एंजेलो ने भी बनाया है, तो माइकल एंजेलो जो थे ये चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार तीनों थे, चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार तीनों थे। इन्होंने बहुत ही फेमस स्कल्पचर भी बनाए हैं, जैसे पिएटा, पिएटा जो है ये मार्बल में बना है, करारा मार्बल, ये पिएटा एक मूर्ति है जो कि करारा मार्बल संगमरमर में बनी है ये, और ये 1498 से लेके 1499 के बीच बनाया गया है इसको, और ये सेंट पीटर्स बेसिलिका वेटिकन सिटी में ये संग्रहित है। एक है डेविड की मूर्ति,
डेविड की मूर्ति दो लोगों ने बनाई, एक डोनाटेलो ने भी बनाई है, लेकिन डेविड की मूर्ति जो है माइकल एंजेलो की बहुत ही फेमस है, जो कि करारा मार्बल में बना है। ये संगमरमर में बनाया गया है और ये 1504 ईस्वी में बना है, 1504 ईस्वी में ये बनाया गया है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए, इसकी हाइट की, तो ऊंचाई जो इसकी है वो 17 फीट की है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अगर मीटर में बात करें तो 5.17 मीटर इसकी हाइट है और ये एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स फ्लोरेंस में संग्रहित है। माइकल एंजेलो के कुछ चित्र हैं, जैसे होली फैमिली, ये चित्र हैं इनके, होली फैमिली, द लास्ट जजमेंट, द लास्ट जजमेंट, आदम की उत्पत्ति, क्रिएशन ऑफ आदम, आदम की उत्पत्ति, ये इनके कुछ चित्र बने बनाए हुए हैं जो कि बहुत फेमस है। आदम की उत्पत्ति जो है ये फ्रेस्को भित्ति चित्र है। माइकल एंजेलो को बरोक कला का पिता कहा जाता है, माइकल एंजेलो को बरोक कला का पिता, बरोक कला का पिता कहा जाता है। किसको? माइकल एंजेलो को। क्वेश्चन नंबर 23, इटली में 15वीं सदी की कला शैली को क्या कहा जाता है? तो उसे पूर्व पुनरुत्थान काल कहा जाता है। राइट आंसर 3 हो जाएगा। 15वीं सदी में इटली का मध्य वर्ग समृद्ध होता जा रहा था, उसमें प्रतिष्ठा की कल्पना बढ़ती जा रही है, जा रही थी और व्यापारिक तथा औद्योगिक नगर धनाढ्य हो गए थे। वह इसी आर्थिक विकास से प्राप्त प्रोत्साहन व आश्रय पुनर्जागरण के प्रमुख कारण थे। क्वेश्चन नंबर 24, आदम की उत्पत्ति, अभी हमने आपको बताया क्रिएशन ऑफ आदम, तो ये माइकल एंजेलो द्वारा बनाया गया है। नामक प्रमुख चित्र किस पुनरुत्थान कालीन कलाकार ने बनाया है? तो माइकल एंजेलो, राइट आंसर 2 हो जाएगा। माइकल एंजेलो, द क्रिएशन ऑफ आदम फ्रॉम द सिस्टाइन सीलिंग, सिस्टाइन सीलिंग जो है सिस्टाइन चैपल, उस पर बनाया गया 1508 से 12 के बीच में। ये वेटिकन रोम में संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 25, इटली के गोथिक काल के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार कौन थे? तो इसमें से जियोटो, हमने आपको बताया इटली के प्रमुख गोथिक काल के कलाकारों में जियोटो बहुत ही फेमस थे। इटली के गोथिक काल के प्रमुख चित्रकारों में सबसे श्रेष्ठ चित्रकार जियोटो था। इसका जन्म 1267 में फ्लोरेंस के निकट काले दी वेस्पियानो नामक नाम के गांव में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, चरम पुनरुत्थान कालीन वेत्स का प्रथम प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? तो ये टीशिया को माना जाता है। राइट आंसर 1 हो जाएगा। जॉर्जियन द्वारा निर्धारित दिशा में कला को अधिक विकसित कर टीशिया ने 1490 से 1575 अपनी लंबी आयु में अनेक श्रेष्ठ कृतियों की निर्मिति की। वह वे वेनेशियन कलाकारों में सबसे श्रेष्ठ हुआ। ख्यात नाम के रूप में प्रतिष्ठित हुए। क्वेश्चन नंबर 27, नौ शास्त्रीयतावादी कलाकारों में कलाकारों ने एक राजनैतिक काल के लिए योगदान किया था, वह कौन सा काल था? तो वो फ्रेंच क्रांति थी। राइट आंसर 3। फ्रेंच राज्य क्रांति के कुछ समय पूर्व फ्रांस के कला क्षेत्र में भी क्रांति हुई, जो राज्य क्रांति के समय कला में अत्यधिक परिवर्तन का कारण बनी।
क्वेश्चन नंबर 28, माइकल एंजलो चित्रकार होने के साथ थे, तो माइकल एंजलो जो थे चित्रकार के साथ वास्तुकार और मूर्तिकार दोनों थे, यहां पे दोनों दिया है जबकि राइट आंसर दोनों होना चाहिए। यहां पर देखिए माइकल एंजलो मूर्तिकार चित्रकार वास्तुकार ये तीनों थे। क्वेश्चन नंबर 29, हाई रेनेसा चित्रकार का नाम बताइए, उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार, तो यहां पे राफेल सही आंसर है। राफेल के अलावा लियोनार्डो दि विंची और माइकल एंजलो, माइकल एंजलो ये तीन कलाकार हाई रेनेसा उच्च पुनर्जागरण काल के कलाकार हैं। 16वीं सदी की यूरोपी उच्च पुनर्जागरण कालीन कला के केंद्र थे, इटली के शहर लोम्बार्डी वेनिस व रोम उनके प्रमुख कलाकार थे, उसके प्रमुख कलाकार थे। आरंभ में लियोनार्डो राफेल व माइकल एंजलो व बाद में टीसियन वेरोनिस तिंतुरेतो व कराची परिवार। निम्नलिखित में से कौन सी शैली में रंगीन कांच की खिड़कियां की कला अस्तित्व में आई, तो ये बाइजेंटाइन काल में राइट आंसर वन हो जाएगा। बाइजेंटाइन कलाकारों ने संगमरमर के स्थान पर रंगीन कांच का इस्तेमाल शुरू किया जिससे वे अधिक चमकीले तथा विविध रंगों का प्रयोग कर सके व उनकी पच्चीकारी अधिक प्रभावी बन सके। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा कलाकार पूर्व पुनरुत्थान काल से संबंधित नहीं है, यहां पूछा है, तो यहां पे पिकार्डी जो है ये नहीं है, तो राइट आंसर 4 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 32, बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई, तो ये धार्मिक विषय वस्तु चुनी गई। मुख्य रूप से बाइजेंटाइन कला धर्म प्रधान कला थी, वह गिरजाघर के आश्रय में पली, धर्म उपदेशकों द्वारा कथित या लिखित विचारों या प्रसंगों का रेखा रंगों द्वारा प्रभावी दृश्य रूप देना मात्र कलाकार का अपना कर्तव्य मानता था, पुरोहितों के निर्देशों के अनुसार ही उसको चित्रित करना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 33, यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीवाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया, नवशास्त्रीवाद नियोक्लासिज्म, तो ये डेविड लिखा है दोस्तों, यहां दाविद जैक्स लुइस दाविद या डेविड नाम आता है, नवशास्त्रीवाद के अग्रणी ये प्रथम कलाकार थे। पेरिस लौटने पर दाविद या डेविड ने अपना चित्र बोलिसियारियस लिल संग्रहालय बनाया जिसकी काफी प्रशंसा हुई, यह चित्र पुंस से प्रेरणा लेकर बनाया था। फिर रोम जाकर उन्होंने अपना चित्र होरेसिया का प्रण, इसको इंग्लिश में ओथ ऑफ होराती बोलते हैं, ये लूब्र संग्रहालय में पूर्ण किया जिसकी 1785 की प्रदर्शनी में काफी प्रशंसा हुई। यह चित्र नवशास्त्रीयतावाद की आरंभिक प्रेरणा स्रोत कृति के रूप में प्रसिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 34, घनवाद के प्रवर्तक कौन थे, घनवाद के प्रवर्तक जो हैं पिकासो और ब्राक, राइट आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 34 का यहां पे दिया है, 1907 में कवि अपोलिनेयर ने पिकासो के समन्वयक समवयस्क ब्राक का परिचय कराया और यह घटना घनवाद के विकास में बहुत सहायक हुई। ब्राक ने
निग्रो मूर्तियां देखी थी, जो ब्राक थे उन्होंने निग्रो मूर्तियां देखी थी और वे उनके मौलिक आकारों से प्रभावित हुए थे। घनवाद के आरंभिक काल में ब्राक व पिकासो में घनिष्ठ मित्रता थी और एक दूसरे से मिलकर एवं विचार विमर्श करके दोनों ने उसके विकास के लिए बहुत परिश्रम किया। घनवाद के विकास के लिए किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण किया? तो ये एडगर देगा ने किया, जो कि प्रभाववादी चित्रकार हैं। राइट आंसर 4 हो जाएगा। देगा जो थे, इन्होंने इन्हें पेस्टल रंग का जन्मदाता कहा जाता है, पेस्टल रंग का। 1990 के बाद एडगर देगा पूर्ण रूप से रंगीन खड़िया से काम करने लगे। रंगांकन से पहले वे खड़िया को भाप में मुलायम बनाते, जिससे खड़िया की रेखाएं अधिक कोमल बनती। देगा की विकसित अंकन पद्धति की कुछ वैयक्तिक विशेषताएं हैं। भिन्न रंगों की समांतर रेखाओं या लकीरों से वे चित्र के संपूर्ण क्षेत्र को रंगांकित करते, जिससे उनके चित्र में प्रकाश एवं वातावरण का चंचल प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता। देगा ने छाया चित्रण का अध्ययन किया था और उसमें प्राप्त प्रभावों का दूर की एवं समीपवर्ती वस्तुओं का धुधलापन, निकटवर्ती वस्तुओं का अस्वाभाविक आकार, विस्तार, दृश्य का अनैच्छिक विभाजन आदि का उन्होंने अपने चित्रों में अनुसरण किया, जिससे उनके चित्र ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि पात्रों की असावधानी से अंकित किए गए क्षणिक दृश्य। इन्होंने डांसिंग गर्ल, डांस बार में बहुत सारे चित्रों का इन्होंने निर्माण किया है। क्वेश्चन नंबर 36, कलाकार पाब्लो पिकासो किस शैली के लिए प्रख्यात है? तो यह रहस्यवादी शैली के लिए प्रख्यात है। राइट आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया? इसको स्वच्छंदवाद या रोमांटिज्म भी बोलते हैं, रोमांसवाद भी इसी को बोलते हैं। तो ये थियोडोर जेरिकॉल ने किया था। राइट आंसर 2 होगा। दावी के अनुयायी जिरोदे व ग्रो के चित्रों में हम रोमांसवाद के कुछ तत्वों का अंशतः जरूर देखते हैं, किंतु रोमांसवाद या स्वच्छंदवाद को स्पष्ट रूप देने का श्रेय किसको है? जेरिको, थियोडोर जेरिको। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार कौन था? उत्तर प्रभाववाद में पाल सेजा, इन्हें उत्तर प्रभाववाद का जनक कहा जाता है। पाल सेजा 1839 से 1906 को उत्तर प्रभाववाद का पितामह माना जाता है, जो अपने जीवन काल में प्रभाववादी चित्रकारों के साथ मिलकर अपनी चित्रकृतियां प्रदर्शित करता था और इस कारण बहुत समय तक उसे प्रभाववादी चित्रकार ही माना जाता रहा, किंतु कालांतर में उसका मतभेद अस्पष्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने प्रतीकवादी चित्र बनाना प्रारंभ किया था? फॉन गॉग ने। रंग के सुखद ऐंद्रिक अनुभव प्राप्त करने से पहले उसका जन्म प्रतीक रूप में वॉन गॉग के मस्तिष्क में होता। वॉन गॉग ने प्रतीकात्मक महत्व को जाना व देखा कि प्रत्येक रंग से किसी विशिष्ट भावना का उद्दीपन है, जैसे कि नीले से शांत और लाल से क्रोध, पीले से स्नेह वगैरह। वॉन गॉग का बहुत ही एक फेमस चित्र है सूर्यमुखी या सूरजमुखी, नाइट कैफे, रात्रि पहर, ये सब वॉन गॉग के बहुत ही फेमस चित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ब्राक और पिकासो ने जिस शैली को जन्म दिया उसे किस नाम से पुकार गया? तो उसे घनवाद के नाम से जानते हैं, क्यूबिज्म। राइट आंसर 3, क्यूबिज्म। घनवाद ब्राक, जॉर्ज ब्राक और पाब्लो पिकासो के मस्तिष्क की उपज था। ये दोनों चित्रकार पर्वतारोहियों की भांति एकांत में घनवादी शैली को विकसित करने में लगे थे।
क्वेश्चन नंबर 41, उस चित्रकार का नाम बताइए जो किरणवाद से संबंधित है। तो यहाँ पे लारियोनो, मिखाइल लारियोनो जो है ये किरणवाद से संबंधित है, रेनिज्म से, किरणवाद के प्रवर्तक थे मिखाइल लारियोनो। 1881 से 1964 के बीच इनका समय है। उसने प्रकाश पुंजों, रेज ऑफ लाइट के माध्यम से आकृत एवं प्रकृति चित्रण करने का प्रयास किया, इसी कारण इसे रश्मिवाद की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार थे। तो प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार जो है क्लोद मोने, मोने को ही प्रभाववाद का जनक माना जाता है। क्लोद मोने को प्रभाववाद का जनक कहा जाता है। प्रभाववादी शैली के सबसे अधिक निष्ठावान प्रवर्तक क्लोद मोने ने फ्रांस की सीन नदी और उसके किनारों को अपने चित्रों का विषय बनाया और नदी पर छड़ छड़ उभरती हुई भौरों को उनके कंपन और अपने चित्र फलकों पर उतारने की भरपूर कोशिश की। इन्होंने सीन नदी का बहुत ही चित्र बनाया है। इनका बहुत ही फेमस चित्र है सूर्योदय का प्रभाव, सूर्योदय का प्रभाव, सनराइज इंप्रेशन, कुमुदनी के फूल, सूखी घास के ढेर, सूखी घास के ढेर, ये इनके कुछ बहुत ही फेमस चित्र हैं। और सनराइज इंप्रेशन, सूर्योदय के प्रभाव से ये प्रभाववाद का नामकरण पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 43, चित्र तीन ताहिती वासी का चित्रकार कौन है। तो ताहिती चित्रण के लिए कौन, पाल गोंगवा जाने जाते हैं। राइट आंसर 4 हो जाएगा। ताहिती के चित्रों को गोंगवा ने अपने पूर्वक स्थित सिद्धांतों के अनुसार ही बनाया है, किंतु उनमें नया जोश, अनोखी चमक व रहस्यमयता आ गई। क्वेश्चन नंबर 44, प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्रा किसने चित्रित किया है। तो ये मार्सेल दुंसा ने बनाया है। 1912 में मार्सेल दुंसा ने भविष्यवादियों के गतित्व के सिद्धांत से प्रभावित होकर अपना प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्रा बनाया था। क्वेश्चन नंबर 45, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने ताहिती द्वीप पर चित्र बनाया। तो ताहिती द्वीप पर जो चित्र बनाए थे वो गोंगवा ने बनाए थे, पाल गोंगवा ने। तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। 1891 में गोंगवा ने ताहिती जाने का निश्चय किया तथा अपने चित्रों को नीलाम किया। ताहिती आते ही वे शहर से दूर जंगल में झोपड़ी में रहने लगे, जहां से समुद्र व पहाड़ों के रमणीय दृश्य दिखाई देते थे। क्वेश्चन नंबर 46, भविष्यवादी चित्रकार का नाम बताइए। तो भविष्यवादी जो चित्रकार है कार्लो कारा, यहां पर राइट आंसर 1 है। कार्लो कारा ने ब्रेरा की कला संस्था में कला का शास्त्र शुद्ध अध्ययन किया, जिसका उनकी भविष्यवादी कला पर अस्पष्ट परिणाम दिखाई देता है। उनकी अंकन पद्धति प्रभुत्वपूर्ण व निर्मल थी। वे प्रभावी लेखक तथा आलोचक थे व भविष्यवादी चित्रकला का घोषणा पत्र तैयार करने में उन्होंने काफी योगदान किया था। क्वेश्चन नंबर 47, पुस्तक मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक, तो मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक कौन है, हर्बर्ट रीड। क्वेश्चन नंबर 48, रूआ का गिरजाघर नामक चित्र निम्नलिखित कलाकारों में से किसने बनाया। तो ये क्लोद मोने द्वारा बनाया गया है। राइट आंसर 1। रुइन गिरजाघर के दर्शनीय भाग के ठोस शिला कार्य पर चंचल सूर्य किरणों का नेत्रोद्दीपक नृत्य मोने ने देखा, दृश्य मोने ने देखा और उसको उन्होंने अपनी चित्रमालिका में बंदी किया। इस चित्रमालिका में स्थापित हुआ चांचल्य जैसे विरोधी तत्वों को परिणाम कारक ढंग से एक साथ चित्रित करके चित्रकार ने अपने कला का प्रभुत्व को सिद्ध किया। क्वेश्चन नंबर 49, घनवाद कितने प्रकार का होता है। तो ये दो प्रकार का होता है।
घनवाद दो प्रकार का, एक संश्लेषणात्मक एक विश्लेषणात्मक घनवाद। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कलाकारों में से स्वच्छंदवाद से किसका संबंध है? तो स्वच्छंदवाद से संबंध है देलाक्रा का, ओजोन देलाक्रा इनका पूरा नाम। उनका देलाक्रा का विषयों का चुनाव केवल प्रचलित मान्यताओं को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता था, दैनंदिन प्रसंगों से भिन्न विषय ही उनको कला सर्जन के लिए प्रेरित कर सकते थे, क्योंकि ऐसे विषय उनकी कल्पना शक्ति के लिए स्वच्छंद विचरण का क्षेत्र खोल देते थे। तो इस तरह से दोस्तों हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारे ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों तक लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।